कोरोना से जंग लड़ रहे मेरे पुलिस के बहनों और भाइयों, आप इस जंग के असली योद्धा हैं, एक सेनापति और सिपाही के रूप में अपने आप को जोखिम में डाल के दूसरों को बचाने के लिए आप इस युद्ध को दूसरों को बचाने के लिए आप इस युद्ध को लड़ रहे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। पूरा प्रदेश आपके साथ खड़ा है, पुलिस के मित्रों की कर्तव्य निष्ठा के एक नहीं अनेकों उदाहरण सामने आए। इंदौर में हमने देखा हमारे टीआई पॉजिटिव होने के बाद भी मोबाइल हाथ में लेकर निर्देश देते रहे। हमारे एक पुलिस का कांस्टेबल भाई ड्यूटी पूरा करते करते ही चला गया इस दुनिया से। एक ही एक्सीडेंट में ड्यूटी पूरी करके लौटते समय मृत्यु हुई। पूछताछ करते हुए भोपाल में मेरे कई पुलिस के साथी खुद भी संक्रमित हो गए। जिस जुनून से, जिस जज्बे से आप काम कर रहे, आपने मध्य प्रदेश पुलिस का नाम ऊंचा किया है। प्रदेश की जनता की नजरों में आप असली हीरो हैं, रियल हीरो, और सारा समाज आपके साथ खड़ा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस लड़ाई को लड़ना है। आप ना तो डरे हैं ना डरेंगे, मुझे विश्वास है, और लड़के जीतना है। लेकिन लड़ाई लंबी चल सकती है, उसमें कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। जंग का मतलब यह नहीं कि हम अपने आप को ऐसा झोंक दें कि स्वयं घायल हो जाए। और इसलिए जब वाहन चेक करें या आपको किसी स्थान पर भेजा जाए चेक करने के लिए, विशेषकर जमात या बाकी को चेक करना है, तो निश्चित दूरी जरूर बना के रखें ताकि दूसरे का संक्रमण आप तक ना पहुंच पाए। गाड़ी का गेट खोलते समय सावधानी रखें, क्योंकि अपने परिवार का और आपका भी आपको ध्यान रखना है। आप सुरक्षित है तो प्रदेश सुरक्षित रहेगा। पीने का पानी घर से साथ ले जाएं या उचित स्थान से लेकर अपने साथ रखें। आपको एक किट दिया गया है जिसमें कई जरूरी चीजें हैं। जहां जाए वहां मास्क पहन कर जाए, निश्चित डिस्टेंस बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। मैं जानता हूं कि काफी कठिन होता है पुलिस का काम करते करते, लेकिन कुछ सावधानी तो हमको रखनी पड़ेगी। गर्मी का समय है, आपको कुछ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई, आयुष की दवाइयों का की व्यवस्था किट में की गई है, उनका यथासंभव उपयोग करें। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी टेबलेट भी दी गई है, सावधानी के तौर पर इनका उपयोग करना जरूरी है। गर्मी बढ़ रही है, मैं ये भी निर्देश दूंगा कि ORS जैसे घोल की व्यवस्था भी बीच बीच में रहे, ताकि आप पानी पीते रहें, गर्मी से मुकाबला करते रहें। यथासंभव कहीं संभव हो, मैं जानता हूं कई बार संभव नहीं है, तो छायादार स्थान का उपयोग कर लें, और मुंह के साथ, नाक तो ढक नहीं है, मुंह तो ढक नहीं है, लेकिन यथासंभव सिर को कान को भी ढक कर रखें, ताकि लू के प्रकोप से आप लोग बच सकें। सैनिटाइजर की शीशी आपके पास होगी, सदैव हाथ साफ करते रहें। बचाव में सुरक्षा है। हमारे कई पुलिस कर्मी घरों पर नहीं जा रहे,
अलग स्थानों पर रहकर ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, वो सावधानी जरूरी भी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हर परिस्थिति में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, मध्य प्रदेश सरकार में स्वयं आपके साथ खड़ा हूं। भगवान करे कोई अनहोनी ना हो, नहीं होगी मुझे विश्वास है। इन कोरोना योद्धाओं के लिए हमने 50 लाख रुपए का सुरक्षा कवच भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आप सुरक्षित रहकर ये युद्ध लड़ें और हम मिलकर इस युद्ध को जीतें, कोरोना समाप्त हो और मध्य प्रदेश बचे, इस काम में हम जुटे हैं। एक बार फिर आपका अभिनंदन।